मम्मी से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगी, क्या दिक्कत है? नहीं तो अभी जाओगी ना, जब फिर वापस तभी आना जब ये कंफर्म करा लेना कि गाड़ी आएगी। दहेज के लालची लोग ऐसी होते हैं, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, मालूम चल गया ना हमें लालची। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप लोग? तो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे होंगे यार, हमने बर्थडे में लगाया था यार, इतनी मेहनत से लगाते हैं तो उतारने का मन नहीं करता है। एनीवे, सबसे पहले आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू यार हमारे चैनल को इतना प्यार दिखाने के लिए। तो यूं ही अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बना के रहिए और हम वादा करते हैं ऐसे मोर एंटरटेनिंग वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज भी मैंने सोचा हुआ है यार पारुल के ऊपर एक प्रैंक करने का, दिमाग में आया हुआ है कि उसके ऊपर ना दहेज से रिलेटेड कुछ प्रैंक करते हैं, उसको खरी खोटी सुनाते हैं। तो इनफैक्ट अभी तो पारुल गई हुई है स्कूल, और पहले मेरे दिमाग में ये था कि यार स्कूल से जैसे आते हैं उसके ऊपर हम ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन फिर ये आया यार वर्कलोड रहता है स्कूल का, या कहीं प्रैंक उल्टा मेरे ऊपर ना भारी पड़ जाए। तो मैं इस प्लान को रात को एग्जीक्यूट करूंगा, और तब तक मेरे पास एम्पल टाइम होगा सोचने के लिए यार इसमें, मतलब क्योंकि मैंने सोचा नहीं यार कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये टाइम में मैं अच्छी तरीके से प्लान आउट कर लूंगा कि इस प्रैंक को कैसे एग्जीक्यूट करना है। और तब तक आप क्या करो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ यार वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और यूं ही प्यार बनना बना के रखना। ठंड में जैकेट ही पहनते हैं पर तो स्वेटर पहन लो, ये बाहर की जैकेट क्यों पहन के बैठे हो? मैं चेंज कर देंगे, आए थे तो बोले एक ही बार में चेंज करेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं ब्लाउज कर रहा था, दिमाग एकदम टेंशन हो रही है, बाबू की फीस यार इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये सोच नौकरी से यार इतना नहीं होगा कुछ भी, तुम भी कर रही हो हम भी कर रहे हैं, इतना कुछ वो होगा नहीं इससे, तो कुछ एक साइड बिजनेस कुछ ऐसा स्टार्ट करें। साइड बिजनेस के लिए पैसा भी होना चाहिए ना, बिजनेस ना यार सोचेंगे तो ये स्टार्ट हो पाएगा ना। पर हम थोड़ा ब्राउज किए हैं, मतलब बहुत सी चीजें हैं, मतलब कि एक चीज जो मुझे समझ में आई कि कैसा है कि लोग दो चार चीजें हैं, एक तो तुम्हारा रेस्टोरेंट का है ना, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। अरे हाँ, मतलब जो बिजनेस चल सकता है तो रेस्टोरेंट चल सकता है कि मतलब लोग खाना नहीं बंद करेंगे, दूसरा लोग घूमना नहीं बंद करेंगे, तो रेस्टोरेंट वाला में थोड़ा सा नहीं चलवाएंगे, चलवाने मेरे दिमाग में है क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत हैक्टिक हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में था कि जैसे गाड़ियां चलवा देना, जैसे आदमी घूमने जाता है तो किराए पे गाड़ियां चलवा लेके उसको चला दें, लोग घूमना तो बंद करेंगे नहीं तो गाड़ियां तो चलती रहेंगे, अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा, उससे इनकम भी आएगी, सीरियसली लें इसको तो बढ़ा भी सकते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए पैसा चाहिए ना, पेड़ पे तो नहीं लगा है पैसा? बात तो सही है पेड़ पे नहीं लगा यार, लेकिन सोचेंगे तो तभी करेंगे ना, ऐसे सैलरी पे कब तक लेके चलो, क्या क्या कर लेंगे ये बता दो, सपने अपने भी नहीं होते कुछ, कहीं ये जाओ वो जाओ कुछ कर, तो एक एक्स्ट्रा इनकम होगा तो फायदा ही होगा ना, तो एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए ना लगाने के लिए। बात तो तुम सही कह रही हो, पैसा होना चाहिए, हवा में तो हो नहीं जाएगा कोई काम, मतलब अगर उनसे बोलो क्या बोलते हैं, किन से बोले? देखो लोन तो ऑलरेडी अपने ऊपर एक चल रहा है ना, तो अगर मम्मी से एक बार बात करो तो। मम्मी से क्या बात करनी है? कि अगर जैसे या तो मतलब उतना पैसा वैसा दे दें, या फिर अगर एक दो दो गाड़ी निकलवा दें। मम्मी कहाँ से दे देंगे, क्या कर वो होगा? कहाँ से दे देंगी मतलब? तो देना नहीं होता है दूसरे का लेके? दूसरे के नहीं, मम्मी ही दिलवा देना। हाँ तो देना नहीं होगा लेने के बाद, कहाँ से देंगे कैसे करेंगे? क्या मम्मी को क्या देना होगा? तुम क्या है ना, क्या चाहो क्या, समझ पैसे नहीं लोगे तो दोगे नहीं क्या? वो भी तो उधार पे ही लेगा ना इंसान, तो उधार के लिए बैंक नहीं बना है पारुल, उधार ही लेना तो बैंक से नहीं लेने। तो मम्मी के पास क्या पेड़ लगा है कि वो? और अगर दे भी देंगी तो उसमें क्या दिक्कत है, बेटी और दामाद को देंगी ना, ऐसे कोई वो तो नहीं है कहीं इधर उधर पैसे तो नहीं फंस रहे।
फंसने की बात नहीं होती है ना। और देंगे क्यों, देंगे किस बात के लिए, क्यों वापस देते हो? क्यों भैया पैसा लेके किसी का दोगे नहीं क्या? किसी का मतलब क्या होता है यार? और देने वाली बात क्या, पहले लो तो बात की बात ना बाद में देखी जाएगी, बिजनेस चल जाएगा तब की तब सोचेंगे। अच्छा, कोई गारंटी तो है नहीं कि चल जाए, पहले तुम देने की बात कर रही हो है ना। अरे पहले चलने तो दो यार बिजनेस। मैं नहीं लेने जा रही हूँ, देना किस लिए? ये देखो, सोच देखो उनकी, देना किस लिए? हाँ तो गलत उसमें क्या, अगर मान लो नहीं भी देते तो प्रॉब्लम क्या है? और लोगे कि नहीं मतलब क्या, क्यों क्या दिक्कत है लेने में, कोई ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? कोई अच्छा चीज, कोई शुभ काम करने जाओ तुम्हें जरूर बांझी मारनी है उसमें। तो ले लो किसी से, मेरा मम्मी से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो ना, जब दे सकती तभी तो मांग रहे हैं, नहीं दे सकती नहीं मांग रहे ना, अब क्या लेते रहोगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा है ना अपने ऊपर, दिन में एक ही बार खाना खाती हो, बार बार नहीं खाती हो तो बार बार आप मम्मी से ही लोगे क्या? तो क्या, क्या क्या दूसरी शादी करें दहेज के लिए? मतलब कि उसके लिए दहेज सूझ रहा है, दहेज नहीं मतलब क्या आप गाड़ियों के लिए दूसरी शादी करें? हम दूसरी क्यों करोगे, चार कर लो, चार पांच, मतलब पता नहीं चलता क्या दिक्कत हो रही है, हर माँ अपनी बेटी का वो करती है। देखो मैं थोड़ी देर आके बैठती हूँ, मुझे फालतू बकवास, फालतू की बात कर ही नहीं, तुम मेरा मूड खराब कर रही हो, मेरा पूरे प्लानिंग की तुम माँ बहने कर रही हो। प्लानिंग ऐसी होती है क्योंकि जब खाली बैठे रहोगे ना, फालतू की प्लानिंग ही क्या इसमें, फालतू की प्लानिंग को ये नहीं समझ आ रहा कोई इंसान, क्या फालतू की प्लानिंग है, कोई ये नहीं समझ आ रहा फालतू की प्लानिंग क्या है। घर में गाड़ी आ रही है ना, कहीं कहीं उनका पैसा नहीं डुबा रहे, अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं, तो देती रहेंगी क्या बेटी को? तो क्या लोग देते नहीं रहते हैं क्या? और कौन से इतना कर दिया, हर कोई देता है। अच्छा जी, वो मतलब अगर ले भी आई तो ऐसी कौन सा हर साल मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, सबके लिए मांग रहे हैं। अच्छा सबके पूरे भारत के लिए वो करोगे ना, कभी कभार उनको भी उसमें टूरिस्ट वाला घुमा देंगे। इसीलिए तो बोल रहे, उनको मालूम उनको जरूरत नहीं, इसीलिए थोड़ी सी जरूरत जो उनके पास है ना ज्यादा, थोड़ा इधर भी ट्रांसफर कर दे, क्या दिक्कत? नहीं होता तो नहीं मांगने जाते, और हम नहीं मांगने जाते, और तुमको बोल रहे मांगने के लिए, हम खुद वैसे नहीं मांगने जाते, हमारी भी वो होती है, हम भी खुददार इंसान है, सास से पैसे नहीं मांगेंगे। और कैसे मांगोगे? तुमको बोल रहे, तुम माँ से पैसे मांगो। मैं क्यों मांगू, पागल हूँ मैं क्या? बकवास ना मुझसे मत किया करो, ज्यादा बैठ के बकवास मत किया करो, जाने कौन सा बड़ा तीर देखे ये तो काम। सुनो बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम को बताओ ना, व्हीकल का लोग टूरिस्ट का नहीं चलाते क्या प्रॉब्लम? अगर अभी नहीं है पैसे अपने पास उतने तो बाइक पर चला लो, खुद चले जाए करो, छोड़ने सब बकवास, बात करवा लो तुमसे बस। दो मिनट आके, अरे मत मांगो दो गाड़ी की, एक गाड़ी के तो लो, गाड़ी का वो नहीं दे सकती, गाड़ी दे दे। मैं ना एक कर लूंगी ना दो कर लूंगी, और कुछ क्यों नहीं लोगी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? 24 घंटे देती रहेंगी ना, और 24 घंटे नहीं, जब मांगे तो देना पड़ेगा, समझ में आया? रह रही हो ना यहाँ पे, पट्टा लिखा के आए हो क्या? पट्टा ही लिखा के आए हैं, प्यार से समझाओ, नहीं समझ में आता तुमको, चुप रहिए कर रही हो, बकवास करवा लो बस बैठ के, यहाँ से पैसे ले लो कि वहाँ से पैसे ले लो बस, यहाँ तुमको अपने घर से मांगने के लिए बोल रहे हैं। क्यों ले रहे, मेरे घर में क्या खान खुदी है उसमें? जबरदस्ती वाला काम मत करो, नहीं तो अभी जाओगी ना, जब फिर वापस तभी आना जब ये कंफर्म करा देना कि गाड़ी आएगी। अजब आदमी है यार, आप नहीं आओगे तो मैं आ नहीं पाऊंगी यहाँ पे, आना ही नहीं है, आओगी तो गाड़ी के साथ आओगी या गाड़ी के पैसे के लेके आओगी, मैं आऊंगी, समझ में आया? आपके नाम को पट्टा नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं पट्टा लिखा तो क्यों बैठी हुई हो? आपके नाम का, मेरे नाम का नहीं, बैठी हुई है बस, बैठ जाएंगे, कोई ढंग की बात बोलो, कोई करो, हर वाइफ का ये फर्ज होता है ना पति के उसमें साथ दे, तुम्हारी साथ नहीं, फालतू बातों में क्या फालतू है इसमें, क्या फालतू है, कौन सी गलत बात कर दी है, दिमाग खाते रहेंगे बैठे बैठे, मांगे लोग इतना पैसा लेके क्या करेंगी वो, आप देख के आए पैसा, हमको मतलब नहीं है, कहां से जुगाड़ करें, सीधी सी बात जान लो पारुल, हम ये बोल रहे चल जाएगा तब की तब देखेंगे, हम वापस भी कर सकते हैं,
और हम आपके भरोसे पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ना लेंगे ना किसी का वो करेंगे। और अगर नहीं भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेटी का काम आया। दामाद के लिए एकदम सकल देखेंगे बैठ के, बेटी के काम आ रहा है। उससे ना फालतू बकवास मत करा कर बैठे, आप शांति से बैठ जाओ, जैसे अपना देख रहे थे ना अपना लैपटॉप वही देखो, फालतू का दिमाग मत लगाया करो इधर उधर। फोन मिला क्यों मिला ले फोन? प्यार से बोलो, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या पारुल? हम भी तमीज से बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? फोन मिला, मम्मी से बात करो, काम करो अपना। अरे तो तुमको बस सीधी सी बात है ना, मेरे कानों में दर्द होने का, चुप रहो, समझ में आ गई? फालतू बकवास मुझसे मत किया करो। देखो तुम माँ बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? सीधे तुम अपनी माँ को फोन लगाओ, अगर वो मना करती तब की तब देखेंगे, तो बात तो करो। क्यों बात करे जब लेना नहीं है तो? मम्मी ने मना किया नहीं किया है ना भी? तुम बात करो, अगर वो मना किया तो तुम कौन? ये उनकी और तुम्हारी बात है ना, तुम बीच में क्यों मना कर रहे हो? तुमसे नहीं लिया जा रहा ना तो? मम्मी से बोलो कि मम्मी हमको चाहिए। अच्छा तो आप फोन कर लो, आप फोन कर लो, अब नहीं करोगे? आप कर लो फोन, हम नहीं मांगेंगे। शाबाश बेटा, मैं कोई फोन करने नहीं जा रही हूँ, हम मांगो चाहे मत मांगो, ठीक है? आप तो अजीब आदमी नहीं, ठीक है ना? तुम सोच लियो ना, देखो जाओ तुम इस बार मायके, देखो आओगी भी नहीं, जैसे आप ही तो लेके आते हो। जैसे भी नहीं आओगी वैसे एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तुम, बड़ा सीधी उंगली से घी नहीं निकलती ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, एंट्री नहीं होगी। पैसा दिखता रहता है, पैसा नहीं दिखता रहता है, पैसे से ही इंसान पैसा बनाता है। दहेज के लालची लोग ऐसे होते हैं, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, मालूम चल गया ना, हमें लालची, लालची नहीं महा लालची, जो भी है तब है लालची, लालची है तो ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम फोन मिला के ले लो, शादी में ट्विटर ले लो, फिर बाद में ट्विटर ले लो, बस देता रहेगा ना इंसान। जी हाँ, देखो मेरा दिमाग मत तो क्या करो? तुम बस यहाँ पे एक ही साल खाना खाई हो, हर साल नहीं खाती हो क्या पागल? हम कभी बोलते हैं तुमने ये कपड़े क्यों लिए, तुमने ये क्यों लिए, तुमने ये क्यों लिया, कभी हम तुमको गिनाए हैं आज तक? क्यों, हम जो अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं, बना के बताए कि कितना बनाते कितना खाते हो? जब फ्री में सब काम मिल जाता है तो बड़े जल्दी कपड़े निकाल निकाल के पहन लेते हो, तब नहीं बोलते हो? तब नहीं बोलते हो, आए बड़े तो फर्ज होता है, समझ में आया? अपने फर्ज अपने पास रखो, ठीक है? फालतू की बात पे डिस्कशन नहीं चाहिए, तो हम भी डिस्कशन आपसे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बैठने आए, दो मिनट तो शांति से बैठो, मैं कोई फोन नहीं करने जा रही हूँ ना पैसे मांगने जा रही हूँ, चार पांच शादी और कर लो तो वहां से भी दहेज मिलता रहेगा, यही रहेगा ना, तो हम देख भी लेंगे, ऑप्शन देख भी लेंगे, किसी तरीके से रहेगा तो हम ऑप्शन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम निकालेगा वो, मेरी है वो मेरी कॉल है। पुराने जेवर भी तो होंगे मम्मी के पास, वो भी आपको पहना देंगे क्या? वही बेच दे, वही दे दें। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। देखो एक एज होता है जेवर, एक एज में अच्छा लगता है, मम्मी पहन के घूमेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, आप पहन के घूमेंगे, मम्मी पहन के घूम लेंगे, चलते हैं, नहीं अगर तुम्हें नहीं मांगना है तो चलते हैं घर में रात में, और मम्मी मम्मी सो रही होंगी है, खुलेंगे सुबह चलेंगे, सुबह चलेंगे जब मम्मी मम्मी सो जाएंगी, तिजोरी का ताला खोलेंगे, सारा कैश अंदर, दोनों मियां भी, और उस पैसे से गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी चलवाएंगे, देख लो मुंह चलवा लो बस बैठ के, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा वहां से नहीं ले सकते हैं तो कहीं और चले जाओ मांगने, तुम्हारी बहने हैं, किडनी उडनी बेचा होता जाए क्या जी?
अपनी बकवास करवा ले रे चले जाना तो ज्यादा अच्छा बकवास मत कर बैठ के